Alan. Oh, so sweet. मेरे को तो डर लग रही है रे, वो परे डर लग रही है। पापी यार किसने का भैया? ये तो मेरे का है। अमन रिलायंस को डॉग यार। हाय गाइस, तो आज है डे टू ऑफ मेला और बस ये देखो ये लोग बाहर बैठे हुए और हम यहाँ पे हैं, तो चलिए देखते हैं मेला थोड़ा सा ही। तो हम आ गए थे नीचे और फिर ये देखिए आज घर के बाहर दूसरी शॉप लगी हुई थी, अभी बस स्टार्ट ही हो रहा था लगना। तो ये देखो ये भैया चश्मा वगैरह और डॉगी वगैरह बेच रहे थे, बगल में बेल्ट वगैरह की शॉप थी और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो ये देखो देखिए अजी, पहले दूर से तो अच्छा लग रहा था लेकिन जब पास से देखे ना तो थोड़ा सा डर सा लग रहा था, अजीब सा था। तो फिर क्या था, ये रहा देखो सामान वगैरह, हमने कहा चलो इनायक को कुछ दिला देते हैं। नाशा बोले चलो तुम भी यही थोड़ा सा आगे से बढ़कर ले लो। तो चलते चलते मैं कहाँ तक का पहुँच गई अभी आप लोग देखिएगा, सोचे घर के बाहर अभी यहीं पे देख रही थी और ये देखो निकल पड़ी मैं मेले की तरफ। तो ये देखो सामने रहा गेट और ये बस घर से मेरे ख्याल से 20-30 कदम की दूरी पे ही होगा। तो मैंने देखते देखते मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई थी। तो बस बहुत टाइम बाद आज मुझे मेले के दर्शन हो गए, तो बस हमने कहा चलो थोड़ा सा देख लेते हैं और लगे हाथ वीडियो भी बना लेते हैं और ब्लॉग शूट कर लेते हैं और आप लोगों को भी दिखा देंगे। तो देखो बच्चों की, भाई मेला तो बच्चों का ही होता है, तो बच्चों की चीज़ें मिल रही थी। तो इनाया को मेरी चाहिए हुए था छोटी छोटी चीज़ें, भाई जो भी उनको चाहिए, वैसे तो बच्चों को सारी ही चीज़ें पसंद होती है सच में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हर शॉप पे रोक रही थी, हर शॉप पे से ये भी अच्छा है ना मम्मी, ये भी अच्छा है ना मम्मी, हमने कहा चलो ठीक है। फिर हमने कहा चलो हम भी देख लेते हैं। अभी देखो ये वाली शॉप तो खुली ही नहीं थी, बाकी ये रहा आइसक्रीम का स्टॉल, इधर उसके बगल में फिर से भोपू वगैरह और लाइट्स वगैरह थी और इधर देखो कुछ खाने पीने की चीज़ें थी, तो बहुत सारी चीज़ें थी। चलिए चलते चलते हैं और आपको दिखाते हैं। और गुड़ वाली जलेबी किसी मेले में ना मिले ये तो हो ही नहीं सकता। और ये देखो सेल्फी स्टैंड भी था यहाँ पे, आप लोग सेल्फी लेकर के अच्छे से वीडियो बना सकते हो, रील्स वगैरह बना सकते हो। और ये देखो यहाँ पे भी टॉयज थी बहुत सारी। तो भी यहाँ पे हम लोग रुके, सोचे कि नए के लिए कुछ चीज़ें मिल जाए, लेकिन वही चीज़ें थी सेम चीज़ें, कि आधी से ज़्यादा चीज़ें तो सच में मेरे घर पे पड़ी है। क्योंकि हर साल मेला होता है और बच्चे होते हैं कि उनकी चीज़ें थोड़ी सी, देखो मेरा घर दिख रहा है ग्रीन सामने से, तो बस देखो हम कहाँ से कहाँ चले आए, चलते चलते हमको खुद नहीं पता चल रहा था। हम फिर सोच रहे नाशिर हमको ऑड लग रहा है, नाशिर हमें ऑकवर्ड लग रहा है कि कैसे चले, ना सके चलो थोड़ा सा टहल लो तुम भी, हम कह चलो भैया ठीक है। तो बस यहाँ से इनाया को कुछ चीज़ें, लाइट्स वगैरह जो छोटी छोटी चीज़ें वो दिलाई और फिर उसके बाद आगे आए। और बहुत सारी शॉप ऐसे ऐसे, इतनी सारी शॉप्स लगी हुई थी कि क्या ही बताएं, पूरे नई बाज़ार तक। अब आप लोग सोचेंगे नई बाज़ार का है तो कल जो आप लोगों को पिछला व्लॉग दिखाए थे, तो ये देखो यहाँ पे पेठा वगैरह मिल रहा था, खाने पीने की चीज़ें भी बहुत सारी मिलती हैं और टॉयज़ वगैरह और गर्ल्स के लिए लेडीज़ के लिए बर्तन वगैरह की शॉप, बहुत सारी शॉप्स लगती। ये तो देखो रास्ते में पूरी रोड समझ लीजिए, इस पार भी इस पार, मुझे समझ नहीं आता मैं देखूं कि मैं शूट करूं, इसी वजह से थोड़ा क्लियरिटी कम आई होगी क्योंकि देखने में भी अच्छा लग रहा था। और फिर ये हो रहा था कि इस पटरी पे देखूं कि इस पटरी पे देखूं, इधर का देखूं कि उधर का देखूं, लाइट्स देखूं कि शूट करूं, तो बस जितना हो सक रहा था उतना मैंने कर दिया आप लोगों के लिए। वैसे तो मैं कभी नहीं जाती थी यार मेले में, लेकिन फर्स्ट टाइम इतने टाइम बाद में यहाँ तक का गई थी, अच्छा लगा था, मज़ा भी आया था, एक्सपीरियंस अच्छा रहा, अच्छा लगा मुझे यहाँ पे। तो चलते चलिए आप लोग भी और मेले में देखते चलिए कि क्या क्या मिल रहा है और घूमते चलिए हमारे साथ। ये रहा देखो बर्गर, यहाँ का नूडल्स वाला बर्गर मिल रहा था जिसको देख के मुझे लालच आ रही थी। और फिर गुड़ वाली जलेबी, इतनी ज़्यादा गुड़ वाली जलेबी और पेठा और ये सब चीज़ें खाने पीने की मिल रही थी ना, जगह जगह पर स्टॉल लगी हुई थी, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। ये रहा लेडीज़ पर्स का स्टॉल और फिर इधर देखो बलून्स वगैरह थे, चेयर वगैरह बच्चों के लिए था, इधर फिर से गुड़ वाली जलेबी बहुत सारी यार, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना गुड़ की क्या बताएं। और फिर इधर टॉयज वगैरह थे, फिर आगे चलते चलिए और फिर देखते हैं क्या क्या थे। तो जो स्पेस है अभी देखो यहाँ पे लगना स्टार्ट हुआ है क्योंकि ये अभी मगरिब के बाद का टाइम है और यहाँ पे चाट बन रही थी, आलू टिक्की चाट थी, टमाटर चाट थी और ये देखो
बलून वगैरह थे, और यहाँ पे देखो फिर से गुड़ वाली जलेबी, मतलब कह रहे ना हर एक दो स्टॉल के बाद ही आपको गुड़ वाली जलेबी की स्टॉल दिखी जाएगी। और ये देखो गेट के पास हम लोग पहुँच गए, तो बस यहाँ से थोड़ी ही आगे जाऊँगी और फिर उसके बाद रिटर्न भी हो जाऊँगी। और ये देखो आ गया लेडीज़ आइटम, यहाँ पे बहुत सारी बैंगल्स बहुत अच्छी अच्छी प्रिटी प्रिटी थी, और ये यहाँ पे इतनी सारी रिंग्स के कलेक्शन थे, मैं तो देख कर रुक ही गई। लेकिन मुझे यार सच में कभी पहनती नहीं हूँ ना, तो आदत नहीं है, सोचा ले लूँ, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आता कि कौन सा लूँ, इतना कन्फ्यूज़न हो रहा था। मैंने कहा छोड़ो हटाओ, काहे इतना दिमाग का दही करे, चलते हैं। तो बस देख लिया, एक नज़र मार लिया, और फिर यहाँ से हम लोग 9:00-11:00 हो चले कि चलो नाशे, बोलो चलो जब लेना नहीं है तो रुको भी नहीं, चलो देख लो बस। तो फिर हम लोग चले गए आगे, और फिर ये देखो आगे फिर से टॉयज़ की शॉप, बहुत सारी शॉप्स थी, बहुत सारी लाइटिंग्स थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। कप वगैरह प्लेट वगैरह बहुत कुछ मिल रहा था, मतलब हर एक चीज़ जो घर गृहस्थी में मिलती है लगेगी वो चीज़ें यहाँ पर आपको अच्छे से मिल जाएगी। देखिए प्लेट ट्रे बाउल्स एवरीथिंग आपको मिल जाएगा। तो बस ये देखिए हम लोग घूम रहे थे यहाँ पर, और यहाँ से इनाया ने देखो क्या लिया, हैंड पाइप लिया हुआ है। बस यही छोटी छोटी चीज़ें थी यहाँ पे, ऐसे ही बस ढूंढो और ख़रीदो। और अब यहाँ से होते हैं हम लोग रिटर्न अपने घर की तरफ। तो देखो वो जो गेट दिख रहा है आप लोगों को सजा हुआ, बस उसके अगले पार ही मेरा घर है, जो कि आप लोगों को अभी चलते वक्त दिख जाएगा। तो ज़्यादा दूर मैं नहीं आई थी, तो इधर से भी देखो खिलौने वगैरह नया ने ले लिया, और फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं और चलते हैं घर, और फिर भी आप लोगों को एक्सप्लोर करते हुए चलेंगे। तो ये रहा मेरे सर पे गेट, और बस जल्दी जल्दी से यहाँ से ये हुआ कि भागो, कोई घर वाले देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि मैं मेले में जा रही हूँ। लेकिन अच्छा लगा, नाशिर थे तो थोड़ा कॉन्फिडेंट भी था, और उसके बाद आए घर पे, तो घर पे आने के बाद ये हम लोगों की बात ज़रा पीछे क्या क्या बात हो रही है उसको ध्यान से सुनो। नहीं ला रहे, अच्छा हमको गाइस आज बन रहा है हमारे घर पे बटर चिकन, ये देखिए इतना सारा चिकन कॉम्बिनेशन मैरिनेशन, जो उसमें एक बड़ी कमी रहती है। तो जुफा बना रही हैं आज बटर चिकन डे ऑफ सेकंड को, जुफा कपड़ा नहीं बदली है तो आप लोग माइंड मत करिएगा प्लीज गाइस, क्योंकि इनको नहाने का मौका नहीं मिला है। इधर मेरी भाभी ने चढ़ाया हुआ है ये देखो पलाव, और फिर आया ये देखो मूंगफली। तो हम लोगों ने देखो कैसे बेड पे बैठ के आराम से मूंगफली एंजॉय किया सबने, तो बड़ा मज़ा आया था। अच्छा छोटी छोटी चीज़ आती रहती है मेले से, और खाते रहो एंजॉय करते रहो। और फिर हो गया डिनर टाइम, तो ये देखो हो चुका था रेडी जुफा का बटर चिकन, काफ़ी यम्मी था, काफ़ी क्रीमी था, बहुत ही अच्छा टेक्स्चर था, तो मज़ा आ गया था खा करके। तो बस हम लोगों ने जल्दी जल्दी से खाना खाया, क्योंकि अभी तो मेला देखना बाकी पूरी रात, तो जल्दी खा करके फ्री होकर के फिर चलते हैं मेला देखने। और आ गए नीचे, और ये देखो नीचे फिर आज इतना अच्छा अच्छा बलून वगैरह की शॉप लगी थी ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोगों को आइडिया है कि छत पे खड़े होकर देखने से पैर क्यों दर्द करवाना, चलो नीचे चेयर लगा के बैठते हैं और यहीं से आराम से देखते हैं। तो बस आए हम लोग और चेयर लगा, और ये देखो यहाँ पर इनाया को चाहिए था ये, मैंने कहा जो पूछो अच्छा कितने का दे रही, जा ही नहीं शर्माए पड़ी थी कि कैसे पूछे कैसे नहीं, कहे सामान खरीदती तो हो ना, जाकर पूछ लो कि यहाँ कितने का आंटी दे रही हैं, तब जाके इतना पुश करने पे तब गई हैं, तब पूछ करके आई हैं कि कितने का है। तो मैंने बोला जाओ जो लेना हो उठा लो, तो बस गई यहाँ से, और क्या लेकर के आती हैं भी आप लोग देखिएगा कि जा रही हैं, देखो पैसा वैसा लेकर के बकायदा गई हैं अपने लिए चीज़ें खरीदने। तो
बस देखिए यहाँ पे इतनी अच्छी चीजें, कितनी कलरफुल है ना, ये देखो उठा लिया ना, इसने पिंक कलर की है ना, और ये देखो इतनी हैप्पी होकर के आएगी अब। उसमें पॉटी लगी है, वो चॉकलेट है। पॉटी ये जनाब ऊपर सो रहे थे, इतना दुनिया भर का भीड़ घर के बाहर और ये सो रहे, तो फोन करके बुलाया कि आइए बैठिए थोड़ी देर एंजॉय करिए, तब जाकर ये उठ करके आए हुए और तब बैठे, नहीं तो जब से आए ना सो ही रहे, ऐसा लग रहा सोने के लिए आए थे। तो जीत करके मैंने बुलाया इनको और फिर हम लोग बैठ के गपशप किए और उसके बाद खूब सारी चीज़ें खाई हम लोगों ने, बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। और इधर देखो ऐसे ही होता है यहाँ पे। और फिर उसके बाद भेल पूरी आई, भेल पूरी हम लोगों ने खाई क्योंकि सुबह जाना था, तो बस यहीं से मैंने एंड किया और फिर चले गए सोने। बस आज सुबह हम लोगों को भागना था घर के लिए, तो बस जल्दी से वैसे सारी पैकिंग करके तो रात में ही समेट दिए थे और फिर ये हम लोग उठे और आ गए नीचे। तो बस यहाँ से निकलना था, ट्रेन थी 6 बजे की, 5:30 बजे उठना रहता है ना, सिर्फ चाय पियो और यहाँ से भागो, ये होता है तुरंत पकड़ो क्योंकि सुबह नींद खुलती नहीं है यार, बहुत मुश्किल से खुलती। तो बस इनायक उठाया जल्दी से, बस जैसे जो था वैसे ही बस हम लोग निकल गए और आगे स्टेशन 547 आ चुके थे। ये पहली बार आई हुई थी हम लोगों को छोड़ने, हमें ये सोती रहती आज ये जीवन में उठ के। 2 बजे सोए थे भैया, हम 2 बजे उठे थे। गुड मॉर्निंग गाइस, तो सुबह हो गई है और ट्रेन तो बिल्कुल राइट टाइम पे थी और ये दोनों हम लोगों को ऐसे बैठा कर 9:02:11 इतनी तेज हुए कि पता ही नहीं लगा। बस मैं विंडो खोल रही हूँ और देख रही हूँ कि ये दोनों गायब हो गए। तो देखिए 6:05 पे ट्रेन आ चुकी थी और हम लोग आराम से बैठ गए। तो इतना ज़्यादा खाली वाली था ना कि बड़ा अच्छा लग रहा था, सुकून से आराम से हम लोग एकदम बैठे हुए थे। और सुबह का मौसम तो जान रहे हो आजकल कितना अच्छा वेदर हो गया। और ये मेरा गुत्ता गुत्ता फोन नहीं गिरा ना, पकड़ा ना, कुछ तार नहीं छूटा, नहीं गिर जाएगा। ठीक है चलो लो लो पकड़ो, खाती रहो, देखती रहो अपना नजारा, खिला दो। ये तो आपका टेबल बन गया बाबू, वो चिप्स होता है ये हम खाएंगे। डोल तो आ गया था स्टेशन और हम लोग आ गए थे गेट पे। तो बस उतरते हैं और फाइनली हम लोग पहुंच गए भदोही स्टेशन पे। तो बस उतरते हैं और फिर आप लोगों को आगे का व्लॉग दिखाते हैं आगे का। पाँच बजे से निकले हैं, 7:34 पे हम लोग यहाँ डिपार्चर किए हैं। और हम लोग आ गए हैं स्टेशन के बाहर। तो बस यहाँ से नाशिक गए हुए हैं गाड़ी लेने के लिए और हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे। और सुबह सुबह का पहले यहाँ पे अच्छा ये जहाँ पे फैन नहीं लगा वहाँ पे समोसा बहुत डिलीशियस मिलता था, एकदम फेमस था भदोही का समोसा स्टेशन वाला। लेकिन जब से वो कोरोना टाइम आया था ना तब से बंद हो गया था, फिर अब नहीं मिलता। वरना यहाँ पे जलेबी और समोसा बहुत औसम होता था यार, बिना खाए तो जाओ नहीं, लेकिन अब कुछ नहीं मिलता है, जो भी मिलता है बाहर से लेना पड़ता है। तो बस यहाँ से अब हम लोग रवानगी करेंगे और देखिए आ गए घर। और घर आके सबसे पहला काम खाने पीने की चीज़ों को निकालो और फिर जो जहाँ देना है उसको दो, उसके बाद करके गए थे ना सब, ये इनको खिलौना वगैरह चाहिए था तो हमने कहा चलो इसको साइड लगाते हैं। क्या खाई, क्या खा रही हो, पीठा कौन खिलाया,
और फिर आ गए हम लोग किचन में, सॉरी हम आ गए, और ये देखो जो घर से खाना, भाई खाना तो लेकर हर बार ही आती हूँ, तो इस बार देखिए वही चिकन पुलाव रोटी सब लेकर आई थी, तो आराम से खाऊंगी और लेटूंगी और फिर काम करूंगी। सकते हैं आ गए घर, और घर आते ही घर का हाल और माहौल देख सकते हो आप लोग। हम लोगों ने नाश्ता वाश्ता कर लिया, अभी नाश्ते लेने किया हुआ है, और घर चारों तरफ लॉन्ड्री बना हुआ है। अभी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही काम करने की, तो बस इसीलिए अभी लेटे थोड़ा सा आराम करेंगे और उसके बाद बैक टू वर्क। तो ये देखो मैडम सारा खिलौना वगैरह सब कुछ रेडी कर ली। वैसे शाम को आ रहा है हम मैच, तो ये सब बैठ कर आराम से मैच इंजॉय कर रहे थे, और मैं तो इतनी थकी हुई थी कि क्या ही बताऊँ। अभी तो कमरे का शुरू भी नहीं किया, किचन का जितना समेट सकी समेटी, और फिर अगले दिन की सुबह हुई तो बस हम लोग उठ गए थे, और आज इनाया को भेजना था स्कूल, तो बस जल्दी जल्दी से वही सब किया तैयारी। कैसे दी उबला अंडा दे दी? अरे वाह बड़ी अच्छी मुर्गी है, दो भाई उबला अंडा से। हाँ। हम लोग किचन में, और ये देखो आज इनाया अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रही टॉर्टिला रैप, जिसके लिए देखिए थोड़ा सा मेयोनीज, थोड़ा सा केचप, थोड़ा सा अनियन, थोड़े से टमाटो, थोड़े से चिकन। अब ये जाएगी थोड़ी सी ये सीजनिंग, तो देखिए ये सीजनिंग मैं घर से लेकर के आई हुई थी, अब इसको डालते हैं और अच्छा बनाते हैं अपने टॉर्टिला रैप को। तो ये देखो हो गई थी सीजनिंग, अब देखो इसको कैसे रोल करेंगे। हाँ। रुको 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 रुको, हाँ वन रोल, रुको रुको ही ना यहाँ, हाँ मोड़ो, टू रोल एंड थ्री रोल, वन पोटैटो, टू हो गए, वेजिटेबल कब भी निकलवा दिए, चलते हैं सिंपल बना दूँ। कौन अब उसका लंच बॉक्स के लिए दे दे यार, रोल बनाएंगे ना तो मतलब सुबह सुबह तो मेरा और नाशिर का एक बार तो पंगा होना ही नाया को लेकर। ये हो गया उसका, देखो छोटी थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें मैंने दे दी हैं, आर यू रेडी? यस, अच्छे से रहना ठीक है, इतने दिन से गई नहीं है ना, तो शक्ल उधर गई है कि जाना नहीं है अभी इनको, लेकिन फिर भी भेजना तो है, गई ना है। और अब चलते हैं करते हैं सफाई अभियान, और मिलते हैं आप लोगों को अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा, और हमारे ब्लॉग्स को ऐसे ही लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब कर